अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से मोहम्मद ताहिर भुट्टा आपसे इस वक्त मुखातिब हैं। और आप जैसा कि आप जानते हैं, हम फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। उसकी रीडिंग हमने कर ली, ट्रांसलेशन हमने कर ली, एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस जो है वो भी हमने कर ली। आज हम इस लेसन नंबर 3 का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर के शॉर्ट क्वेश्चंस है फर्दर 8, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, कि हैरी ज़मीन के ऊपर वापस क्यों जाना चाहता था। क्योंकि आप ये देखें, आपने लेसन पढ़ा मुकम्मल तौर पर, अगर आपने सुना और पढ़ा तो अब आपको आइडिया होगा कि जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसको लगा कि जो मार्शियन एयर है वो उन्हें सूट नहीं कर रही। वो कहते हैं कि इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, और उसको ये भी लगता है कि इफ दे स्टेड देयर दे वुड कम्प्लीटली चेंज, कि अगर वो वहाँ ठहरे रहे तो वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बदल के रह जाएंगे। ये सारी चीज़ जो है ना उसको फील होती है, तो इस वजह से वो चाहता है कि वो वापस चला जाए। तो अब ये देखें, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ बिकॉज ही फेल्ट दैट द मार्शियन एयर डिड नॉट सूट देम। He felt that there was some virus in the Martian air that could dissolve their intellect and burn away their past, and they would lose their identity. That is why he wanted to leave Mars immediately and go back to the Earth. Or question number 2 dekhein, why did he want to stay? वो वहाँ ठहरना क्यों चाहता था? अब देखें, क्वेश्चन है व्हाई डिड ही वांट टू स्टे। अब ये बात देखें, अगर आपने पूरा लेसन पढ़ा है, सुना है, तो एंड पे जब वो मरीख की जो पहाड़ियों के ऊपर जाकर बसे हैं मौसम गर्मा के दौरान, और फिर वहाँ पर जो है वो मौसम खजां जब आ गया है और वो पहाड़ियों के ऊपर अपनी कोठी के ऊपर वाली ढलवान के ऊपर मियाँ बीवी खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो है ना मियाँ बीवी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, तो उसकी बीवी उसे कहती है कि इट्स टाइम टू गो बैक, कि अब वापसी का वक्त हो गया। वहाँ वो कहते हैं कि नो, वी आर नॉट गोइंग, नहीं अब हम नहीं जा रहे। अब वो वापसी थी, वो पहाड़ों से नीचे जो वैली थी वहाँ पर वापसी की बात हो रही थी, और वो वहाँ वापस नहीं जाना चाह रहा था। तो यहाँ पर भी देखें, व्हाई डिड ही वांट टू स्टे, व्हाई डिड ही वांट टू स्टे ऑन द मार्शियन हिल्स, कि वो मार्शियन हिल्स पर क्यों रहना चाह रहा था, वो वैली पे क्यों नहीं जाना चाह रहा था। ये असल में उस हवाले से क्वेश्चन है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरीख पे क्यों स्टे करना चाह रहा था। तो व्हाई डिड ही वांट टू स्टे, हैरी बिटरिंग वांटेड टू स्टे ऑन द मार्शियन हिल्स बिकॉज ही थॉट दैट देयर वॉज नो रीजन टू गो बैक टू द वैली, एंड ही ऑल्सो थॉट that no one was going back to the valley, to the earth settlement that they initially built in the valley, ke valley ke andar shuru shuru mein jo unhone earth settlement taameer ki thi wahan ab koi bhi wapas nahi ja raha tha, that is why he also wanted to stay on the martian hills. What climate did they face, wahan par kis kisam ki climate ko unhone jo na face kiya, what climate did they face. ab dekhen, they faced, or the bittering family, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि bittering family faced severe climate on Mars, कि उन्होंने Mars के ऊपर severe climate को जो है ना वो face किया। अब देखें, इसके अंदर मज़ीद आप कहेंगे कि during winter it was too cold and during summer the air moved like फ्लेम्स अपॉन द मैडोज, और गर्मियों के दौरान जो है वो हवा यूं चलती थी जैसे शोले जो है ना वो गुजर रहे हैं। ऑन द होल इट वॉज वेरी सुवियर एंड अनफेवरेबल एटमोसफियर ऑन मार्स। और नंबर 4 देखें, वट वॉज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द वॉर ऑन द अर्थ, कि जब जमीन के ऊपर जंग की खबर सुनी तो बिटरिंग फैमिली की कंडीशन क्या थी। तो अब यहां पर देखें,
कि उनकी जो बेटी थी ना लॉरा बिट्रिंक, लॉरा ब्रोक द न्यूज ऑफ वॉर ऑन द अर्थ एंड व्हेन दे हर्ड दिस न्यूज दे वर टोटली शॉक्ड एंड ग्रीव्ड, दे थॉट दैट दे वर नाउ स्ट्रैंडेड ऑन मार्स एंड दे वुड नेवर बी एबल टू गो बैक टू द अर्थ, कि उनको ये लगा कि अब वो मरीख के ऊपर स्ट्रैंडेड कैद होकर रह गई हैं एंड दे वुड नेवर बी एबल टू गो बैक टू द अर्थ, और अब वो ज़मीन पर कभी भी वापस नहीं जा सकेंगे। तो ये उनकी फीलिंग थी। और नंबर 5 पे देखें, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, कि वहाँ पर वो क्या ग्रो करना चाहते थे। तो अब यहाँ पर आप देखें कि व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, तो ग्रो का लफ्ज़ उसने असल में दो हवालों से इस्तेमाल किया था, कि जब उसकी बेटी ने पूछा कि अब हम क्या करेंगे, तो वो उसने कहा जी ग्रो क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स दैट इंक्लूडेड अनियंस एंड ग्रास एंड पीचेस, कि वो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाना चाहते थे, दैट इंक्लूडेड अनियंस अनियंस पीचेस एंड ग्रास, जिसके अंदर ये प्याज और आड़ू और बाकी घास वगैरह जो है ना ये सब शामिल थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ग्रो देयर चिल्ड्रन सो दैट दे कुड बी एबल टू ब्रिंग देम अप वेल एंड मेक देम सिविलाइज्ड पीसफुल ह्यूमन बीइंग्स, कि उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर सकें और उन्हें एक सिविलाइज्ड पीसफुल ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो बना सकें। ये काम जो है ना वो करना चाहते थे। देखें आपने बाद में हमने पढ़ा कि द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप्स, तो मतलब ये कि बड़े पीसफुल ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो अपने बच्चों को बनाना चाह रहे थे। तो व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो के अंदर ये दोनों पॉइंट्स आने चाहिए। और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनके घर की कंडीशन जो है ना वो क्या हो गई थी। तो द कंडीशन ऑफ द हाउस दैट दे इनिशियली बिल्ट इन द वैली वाज वेरी बैड, समर हैज बर्नड एवरीथिंग देयर, देयर पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड, द रबर टायर्स on which the children swung in the backyard hung suspended like stopped clock pendulums, it was no more like an earth man's house, ke ye kisi zameeni insaan ka ghar bilkul nahi lagta tha। to ye sari condition jo hai na wo batani hai। aur phir iske andar dekhen ke what was the advice Harry gave to the people, ke Harry ne logon ko kya advice di thi। isme aap dekhen shuru mein जब वो वहाँ जाकर आबाद हुए, तो उस वक्त हैरी ने जो एडवाइस की थी उन्हें, कि हैरी एडवाइज्ड पीपल टू डेवलप अ रॉकेट और टू मेक और टू मैन्युफैक्चर अ रॉकेट देयर। हैरी एडवाइज्ड देम टू मेक देयर अटमोस्ट एफर्ट नॉट टू गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मार्शियन एयर, कि उसने ये कहा कि अपनी भरपूर कोशिश करें कि इस मरीखी हवा के मुताबिक चेंज ना। ही एडवाइज्ड देम टू मेक अ रॉकेट एज सून एज पॉसिबल सो दैट दे कुड बी एबल टू गो बैक टू द अर्थ अगेन, कि वो इस काबिल हो जाएं कि जल्द अज जल्द जो है ना वो ज़मीन पर वापस जा सकें। ये उसकी एडवाइस थी। और फिर देखें हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी, मार्शियन वायरस कितना डेंजरस कितना ख़तरनाक जो है ना वो हो सकता है। तो उस हवाले से आप देखें, अ मार्शियन वायरस कैन बी क्वाइट डेंजरस फॉर द पीपल फ्रॉम द अर्थ, के ज़मीन के लोगों के लिए वो खासा डेंजरस जो है ना वो हो सकता है। इट कैन बर्न अवे देयर पास्ट एंड डिज़ोल्व देयर इंटेलेक्ट, उनके माजी को जला के रख सकता है, उनके जहन को जो है ना वो तहलील कर सकता है। इट कैन इवन टेक अवे देयर सोल्स फ्राम देम एज मैरो कम्स आउट फ्राम वाइट बोन्स, के ये उन हद तक के उनके अंदर से रूह यूँ खींच सकता है जिस तरह के सफ़ेद हड्डियों में से गोदा निकल आता है। इट कैन चेंज देम फिज़िकली एज वेल एज मेंटली, और ये उन्हें जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर बदल के रख सकता है।
ये तमाम पॉइंट्स इसके अंदर जो है ना वो आने चाहिए थे इस क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो 8th पार्ट है इसके अंदर ये तमाम पॉइंट्स जो है ना वो आने चाहिए थे। तो आप ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमने मतलब क्वेश्चंस डिस्कस किए, एक तो आप इनको लिख लें और लिख लेने के बाद अच्छी तरह से याद भी कर लें। याद उस वक्त होगा, अब देखें आपको असाइनमेंट्स जो है ना वो अब मिलना शुरू हो गई हैं। अब जो इस वक्त आपको असाइनमेंट अगर आपने कॉलेज से ले ली हुई है तो उसके अंदर आपका लेसन नंबर 1 को बेस बनाया गया और उसके साथ साथ कुछ पेयर वर्ड्स थे वो दिए गए। अब आपने करना ये है कि ये जो तीसरा लेसन नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, ये अब हमने कंप्लीट कर लिया, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स आगे जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके साथ साथ जो नेक्स्ट लेटर और स्टोरी है उसको भी हम मतलब डिस्कस कर लेंगे। तो वो आपके अगले जो मतलब जो असाइनमेंट होगी उसका एक मटेरियल आप तैयार कर लेंगे। तो अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से जहन में रखना है और असाइनमेंट कोशिश करनी है याद करके लिखनी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।